नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप जहांगीर एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर कुलदीप जहांगीर होम्योपैथी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके साथ में एक ऐसी मेडिसिन के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं जिसके दिमाग से संबंधित कई सिम्टम्स है जो हमारी बॉडी देती है उसमें बहुत अच्छा इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। स्पेशली मेंटल सिम्टम के लिए मेडिसिन बनी हुई है दोस्तों, और जहां पर भी दिमाग से संबंधित कोई भी तरह की वीकनेस की, कमजोरी की अगर बात आती है तो वहां पर इस मेडिसिन का सबसे पहले नाम आता है। दोस्तों, इस मेडिसिन का नाम है एनाकार्डियम ओरिएंटल। दोस्तों, एनाकार्डियम जो मेडिसिन है वह प्लांट किंगडम से मेडिसिन आई है, और इसका हमारे जैसा मैंने आपको बताया दिमाग से संबंधित कोई स्पेशली कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे कि अगर आपकी मेमोरी बहुत वीक है, आपकी याददाश्त बहुत कमजोर है, इसके साथ साथ आप लोगों पर बहुत ज़्यादा शक करते हैं, आप में कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी रहती है, ऐसी कुछ कंडीशन है जहाँ पर एनाकार्डियम का एक विशेष रोल देखा गया है। इसके साथ साथ यह आपके पेट पर यानी जीआई सिस्टम पर, इसके साथ आपके स्किन पर भी है बहुत अच्छा काम करती है। बट एनाकार्डियम जैसा कि मैंने आपको बताया स्पेशली ये मानी जाती है दिमाग से संबंधित कोई भी अगर आपका विकार है, स्पेशली आपकी मेमोरी, अगर आपकी मेमोरी वीक है तो वहाँ पर यह बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि इसके कौन कौन से सिम्टम हैं, कहाँ कहाँ पर मेडिसिन काम में ली जा सकती है। स्पेशली हम बात करते हैं सबसे पहले दिमाग से संबंधित अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है तो वहाँ पर इसका क्या रोल है। या दोस्तों, सबसे पहले हम अगर बात करें याददाश्त की या मेमोरी की, तो एनाकार्डियम का जो पेशेंट होता है उसकी मेमोरी बहुत ज़्यादा वीक होती है, उसको कुछ भी याद नहीं रहता है जिसके कारण वो बहुत परेशान रहता है। ऐसी अगर कुछ कंडीशन है तो वहाँ पर एनाकार्डियम बहुत अच्छा काम करती है। अगर सडन मेमोरी लॉस हुआ है तो वहाँ पर एनाकार्डियम बहुत अच्छी एक मेडिसिन है। इसके साथ साथ दोस्तों ये भी देखने को मिलता है कि उसकी जो मेमोरी होती है वह इतनी वीक हो जाती है कि वो खुद का नाम भूल जाता है। इवन उसके जो चिर परिचित होते हैं, जो रात दिन जिसके साथ उठता बैठता है, अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स, उनका भी नाम वो भूल जाता है, उसको भी वो नाम याद नहीं आते हैं। इसके साथ दोस्तों एक ये भी देखने को मिलता है कि उसका जो कॉन्फिडेंस होता है उस पर कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, वो लोगों को फेस करने में भी दिक्कत आती है, छोटा सा काम भी करने में उसको परेशानी होती है कि वो कैसे करेगा, उसको डर लगने लग जाता है। ऐसी कुछ कंडीशन है वहाँ पर एनाकार्डियम बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों, एनाकार्डियम का जो पेशेंट होता है वो धिक्कारता है, चिल्लाता है, भला बुरा कहता है, इस तरह की कंडीशन में भी एनाकार्डियम बहुत अच्छा काम करती है। एनाकार्डियम का पेशेंट जो होता है दोस्तों, उसको कोई काम अगर करने को रोको तो वो उसको करने के लिए वो आगे दौड़ता है। इसके साथ उसका एनाकार्डियम के पेशेंट के अंदर डबल माइंड चलता है उसका, यानी एक तरफ उसका जो दिमाग होगा वो उसको कहेगा किसी का मर्डर कर दो, उसमें इस तरह के उसमें इंपल्स आते हैं, दूसरी तरफ उसमें बहुत ज़्यादा दया भाव भी आता है। वहाँ पर इस तरह की जो कंडीशन होती है वहाँ पर भी एनाकार्डियम बहुत अच्छा एक रोल होता है उसका। इसके साथ दोस्तों, एनाकार्डियम का जो पेशेंट होता है वो सीरियस मैटर पर तो वो हंसने लग जाएगा, और हंसने वाली कोई बात होगी उस पर वो सीरियस हो जाएगा, इस तरह की कंडीशन में भी एनाकार्डियम बहुत अच्छा काम करती है। इसके साथ लोगों पर वो बहुत ज़्यादा शक करता है, अपने आसपास की चीज़ों पर बहुत ज़्यादा वो शक करता है, वह हर किसी को शक की नज़र से देखता है, उसको ऐसा लगता है कि जब वो चल रहा है उसके पीछे कोई चल रहा है, उसको कोई पीछा कर रहा है, उस तरह की उसमें भावना भी उसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। वो हर चीज़ का वो बुरा पक्ष देखता है, हर चीज़ में उसको नेगेटिव, उसमें वो जो होता है वो नेगेटिव पार्ट होता है वो उसको ढूंढता है, उसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं, ओवर थिंकिंग की उसको आदत होती है। एनाकार्डियम का जो पेशेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूर होता है, उसके अंदर दया नहीं होती है, वो जो पेशेंट होता है वो दुर्भावनापूर्ण होता है, वो शैतान प्रवृत्ति का होता है। इसके साथ साथ वो किसी भी काम को करने में दिमाग नहीं लगा सकता, वो फालतू की चीज़ों में दिमाग लगाएगा लेकिन जो काम करने वाला जो होगा उसके अंदर वो बिल्कुल भी अपना दिमाग नहीं लगाता है। इसके साथ साथ उसको हमेशा लगता है कि कुछ ना कुछ बुरा घटित होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है, उसको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ बीमारी है, या इस तरह के सिम्टम होते हैं जो कि एनाकार्डियम के अंदर पेशेंट जो होता है उसके अक्सर देखने को उसमें मिलते हैं। ऐसा होता है दोस्तों एनाकार्डियम का पेशेंट, अगर ये सारे सिम्टम मिलते हैं तो वहाँ पर एनाकार्डियम बहुत अच्छा काम करती है। एनाकार्डियम स्पेशली मेंटल सिम्टम जो भी होते हैं जो मैंने आपको बताया वहाँ पर, वहाँ के लिए ही बनी हुई है। इसके साथ दोस्तों कुछ अदर सिम्टम जो होते हैं जैसे कि उसके अंदर प्लग लाइक सेंसेशन, यानी उसको अगर एनस के अंदर, उसकी इसोफेगस यानी भोजन नली के अंदर, उसके साथ साथ उसके रेक्टम में, या उसको जीआई ट्रैक्ट में या दिमाग में, उसको प्लग लाइक सेंसेशन होता है, ऐसा लगता है कि उसका भोजन नली है उसके अंदर उसको रुकावट आ गई है, खाना आगे नहीं बढ़ रहा है, गला उसका चौक हो गया, उसको निगलने में दिक्कत होती है, उसको गैस्ट्रिक हेडेक होगा, इस तरह की कंडीशन में भी उसको एनाकार्डियम बहुत अच्छा काम करेगी। उसको ऑल गोल सेंसेशन रहेगा, उसके ऐसा लगेगा पेट के अंदर कुछ है ही नहीं, और जब वो कुछ खा लेगा तब उसको आराम आ जाता है, ऐसी कंडीशन होती है वहाँ पर भी एनाकार्डियम बहुत अच्छा काम करती है। ये हो गया इसकी जीआई सिम्टम। इसके साथ साथ दोस्तों स्किन से रिलेटेड कुछ कंडीशन होती है जहाँ पर भी एनाकार्डियम अच्छा काम करती है, जैसे उसमें अगर येलो इरेसेंस निकल जाते हैं जिसके अंदर बहुत तेज बर्निंग होती है, बहुत तेज इचिंग होती है,
वहां पर भी ये बहुत अच्छा काम करती है। इसके साथ अगर लाइकन की प्रॉब्लम हो गई है तो लाइकन में भी ये अच्छी मेडिसिन है। अगर हथेलियों के अंदर अगर उनके वार्ट्स हो गए हैं यानी हथेलियों में अगर मस्से की प्रॉब्लम हो गई है तो वहां पर भी एनाकार्डियम बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों यह कुछ कंडीशन है जहाँ पर एनाकार्डियम के बहुत अच्छे यूजेस देखने को मिलते हैं। और दोस्तों बट मैं आपसे वापस एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, ये आपकी जानकारी के लिए, सेल्फ मेडिकेशन के लिए बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी आप मेडिसिन लेते हैं तो हमेशा चिकित्सक की सलाह अनुसार लें, क्योंकि यह जो कुछ सिम्टम होते हैं इसके साथ साथ और भी आपके सिम्टम्स जो होते हैं वो लिए जाते हैं, उसमें उन सिम्टम के अकॉर्डिंग आपको कुछ मेडिसिन दी जाती है, तो जो कि आपके लिए बेहतर काम करती है, अच्छे से काम करती है। दोस्तों इसलिए सेल्फ मेडिकेशन ना करें। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ जो भी जानकारी शेयर की है एनाकार्डियम से संबंधित आपको पसंद आई है और आपके लिए ये फायदेमंद साबित होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।